परिया आप तो आ गए, भाभी कहाँ है? समस्या से आ रहा है। क्या बोला तूने? नहीं नहीं, मुझे तो फूल से याद आया, आपको समस्या से याद आया। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अरे भाभी के बिना कहाँ चलता है, वो कहावत है कि चल झूठा, भाग्यम फलति सर्वत्र नच विद्या नच पुरुषार्थम, मतलब जो भी मिलना है वो तो भगवती के कमाल के वजह ही है। वाह वाह, यस यस, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसे संभाला करते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। शादी के बहुत साल निकल जाते हैं जी, तो ऐसे सुल्तान नहीं मिलते फिर। नहीं, और अपनी प्रॉपर्टी का वो भी होता ना, क्या हौसला होता कि अपनी तो है यार, अपना ही माल है ना। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? उनसे याद आया जी, डेढ़ साल में तेरे दो दो बच्चे पैदा हुए। सड़ी के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। मैं आपको सही बताऊं पाजी, मेरा हनीमून अभी तक पेंडिंग है। जैसे शादी हुई तो वैसे शो शुरू हो गया, तो हनीमून तो मेरा हुआ नहीं। हनीमून है बड़े लोगों का काम, गरीब आदमी तो घर में ही बरसात में बिजली जाने की वेट करता है। उसी मेरी आ जाता है। प्यारी समझ गई। कभी कभी ऐसा होता ना कि हम बाहर से चाय पी के आए और घर पे आके को पूछे कि चाय पियोगे, तो आदमी बोलता है नहीं मैं बाहर से पी के आया हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि आप बाहर से रोमांटिक सीन करके आए हो फिल्म में और आप घर गए हो? अच्छा, भाभी ने कैंडल वैंडल ऐसे अरोमा पूरा बनाया हो और आप कहें कि नहीं मैं तो अभी भी बाहर करके आया हूँ। मैं सच कहूँ आप शर्मा हो नाम से, पर मैंने शर्मा शर्मा के बहुत अच्छे अच्छे काम किए। बड़ा हरामी हो बेटा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। कभी आज तक पकड़ा नहीं गया मैं।